ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। एटा जनपद में युवक की गोली मारकर हत्या के बाद खेत में शव को फेंक दिया है। आज जब खेत पर काम करने गए किसान ने युवक के शव को खेत में पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के चलते प्रेमिका ने फोन से बुलाकर परिजनों संग मिलकर गोली मारकर प्रेमी को मौत के घाट उतारा है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रेमिका सहित चार आरोपियों के खिलाफ थाना अवागढ़ में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और एसएसपी ने जांच के लिए पुलिस टीम गठित कर तेज तफ्तीश शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि आखिर प्रेमिका व उसके परिजन कब तक सलाखों के पीछे होंगे। एसएसपी सुनील कुमार का कहना है कि 22 वर्षीय युवक का शव खेत से बरामद किया गया है। युवक को कनपट्टी पर गोली मारी है। परिजनों द्वारा प्रेम संबंध का मामला बताया गया है। एक महिला और उसके परिजनों को आरोपित करते हुए थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई हैं। साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और मामले का जल्द खुलासा करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। मेरा लड़का था, अमित नाम का। अमित नाम का, हाँ जी। अच्छा, फोन किसका आया है जी? किसका फोन आया था उसके पास? अब ये नहीं पता मुझे, क्या मालूम किसका फोन आया। आप लोगों को किसी पर शक है उसे मार देगी। मुझे गढ़ा नगले से आया हुआ साहब। गढ़े नगला, हाँ जी। नगला गढ़ा में किसी का नाम पता है किसके यहाँ से आ सकता है? नहीं नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं चल रही थी, आना जाना तो था। फिर कैसे, मतलब क्या लग रहा है आपको कि कैसे मर्डर हुआ है? ये बुला करके के मर्डर किया गया सर। पदेटा के थाना आवागढ़ क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक का उसके घर से कुछ दूरी पर गांव में ही खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा मिला है। घटनास्थल निरीक्षण पे शव को देखने पे उसके दाहिनी कनपट्टी पे गोलियों के निशान हैं। परिजनों द्वारा अवैध संबंधों को लेकर गांव के ही कुछ एक महिला और उसके परिजनों को आरोपित किया गया है। पुलिस टीमें सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे।